केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून अर्थात CAA को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही अब देश भर में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। पश्चिम बंगाल और केरल जैसी कई राज्यों ने इस कानून को लागू नहीं करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन भारतीय संविधान ने स्पष्ट किया है कि कोई राज्य CAA को लागू करने से इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि नागरिकता संघ सूची के तहत यह आता है, न कि राज्य सूची के। नागरिकता संशोधन बिल दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों ने पारित किया था। इसके बाद से देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे थे। आपको बता दें कि इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि लोग 31 दिसंबर 2014 से भारत आए हों। संविधान के अनुसार भारत के राज्य को आवश्यकता पर CAA को लागू करना होगा और इसे लागू करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। राज्य की शिकायतों के मामले में वे हमेशा सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रख सकते हैं। यदि उन्हें लगता है कि उनके नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वे कोर्ट के सामने पेश हो सकते हैं।